A very good morning to all of you students and welcome in your English class. Students, we are reading Unit 5, a poem, Zoo Manners. So after explain it, we will do its some exercise, its question answer. So the first question is, what do you see at the zoo? Means, आप जब zoo में जाते हो तो आप क्या देखते हो? Okay? What do you see at the zoo? And second question is, what does the camel have on its back? Okay, so their answer will be, question number first answer is, what do you see at the zoo? So, we see animals at the zoo. Okay, हम क्या देखते हैं? जब भी हम zoo में जाते हैं, तो हम different kinds of animals को वहाँ पर देखते हैं. So, second question is, what does the camel have on its back? So, what does the camel have on its back? Camel की back पर क्या होता है? So, the camel has a hump on its back. Camel के back पर एक hump होता है, means कुबड़ होता है. Okay? So, you have to write these questions on your notebook in a good handwriting. And next is, let's talk. Okay? These question you have to read these question on your notebook and these question you have to discuss with your parents and with your friends. Okay, these are the oral questions. So, let me read it first. Have you been to a zoo? Kya aap kabhi zoo mein gaye ho? If you go, then you have to say yes. If not, then you have to say no. Second is, name the animals which you have been seen in a zoo. Say the names in your own language and then in English. Okay? आपको कुछ animals के name बताने हैं जो कि जिनको आपने zoo में देखा है. अगर आपने कभी zoo में visit किया है तो आपने वहाँ पर कौन से animals को देखा है और उनको आप अपने local language में क्या बोलते हो? जैसे कि बियर है तो बियर को आप बोलेंगे भालू. ओके, और इंग्लिश में उसको बियर बोलेंगे लेकिन अपनी लैंग्वेज में हम उसे भालू बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आप ऐसा बोलते हो, ऐसा ने आपने इंग्लिश और अपनी लैंग्वेज में दोनों में उनके नाम को बोलना है. ठीक है, यू हैव टू से ओनली दीज क्वेश्चंस आंसर. ओके, नेक्स्ट इज, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, व्हाई? आपको बताना है कि कौन से एनिमल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और क्यों, किस स्पेशलिटी की वजह से आपको वो एनिमल इतना ज़्यादा पसंद है. सो आपने इस बारे में अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर सिस्टर से या अपने फ्रेंड्स से बात करनी है. ओके, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टीज एनिमल्स? क्या आपने कभी किसी एनिमल्स को वहाँ पर फीड किया, उनको कुछ खाना खिलाया जो वो पसंद करते हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो आप बात करिए इस बारे में. अगर आपने नहीं किया है तो भी आप बात करिए कि आप कभी जा कर के ये चीज़ खिलाना चाहते हो किसी एनिमल को. शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? इस बारे में आप अच्छे से डिस्कस करिए अपने पेरेंट्स के साथ कि हमें कभी भी एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए. टीज होता है परेशान करना. ठीक है, तो एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं, अपनी दर्द को बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए कभी भी हमें उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, कभी उनको दर्द नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स लिसन. ओके, आपको अपनी लिसनिंग कैपेसिटी चेक करनी है इस क्वेश्चन के थ्रू. लिसन एंड पुट अ टिक अंगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर्स से. अब यहाँ पर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टीचर कहे. ठीक है, तो आप अपनी मदर या पेरेंट्स किसी की भी हेल्प ले करके उनसे कहें कि कोई भी वर्ड आप प्रोनाउंस कीजिए और आपको यहाँ पर उसको टिक करना है. जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर कहूँ मैच, तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर मैच राइट किया है और उसके आगे आपने टिक करना है. इट्स अ गेम, तो आपने ये गेम प्ले करनी है. ओके, जैसे अगर मैं कहूँ फन,
सो आपने फन के अगेंस्ट यहाँ पर टिक करना है. ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट योर पेज नंबर 74. हम 74 पेज को कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर आपके राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चंस आपने राइट करने हैं, एक गेम आपने प्ले करनी है और इन क्वेश्चंस को आपने ओरली डिस्कस करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.